सर्विस ना करवाने का नतीजा। इसका फिल्टर देखो गाइस क्या हालत हो रखी है इसकी। ये देखो बाइक की टंकी में से क्या पानी निकल रहा है गाइस, ये देखो बिल्कुल ही पानी है ये, और ये आपको लग रहा है गाइस ये देखो कितना पानी है। इसलिए इससे गाइस अपनी बाइक में ना ज्यादा हार्डली नहीं चलाएंगे, अपनी बाइक को बिल्कुल बिल्कुल ही सॉफ्ट चलाएंगे। बिल्कुल ही काला ही हो रखा है ये देखो, जेट ब्लैक ही है, इसमें थोड़ा सा ही निकला बिल्कुल ही। इधर से गाइस हमारा खुल चुका है और इसका गाइस फिल्टर वगैरह हम पूरा साफ करवा के रखेंगे। इतना गाइस 95% पानी है और 5% पेट्रोल था बिल्कुल ही। ठीक है अभी आवाज का भी क्या पता इसका फर्क पता चल जाए, क्योंकि इंजन ऑयल वगैरह इसका सारा कुछ बल्कि सर्विस ही हो गया है। लगवाएंगे इसमें वाइजर वगैरह और सारी लाइटें वगैरह, तो भी फैंसी लगवाएंगे, तो फैंसी मीन्स हम लाइटें वाइटें लगवाएंगे और बहुत ही अच्छे थे। व्यू जो कि गाइस आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरा, तो जैसे कि गाइस हमारा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो ये बन के स्टार्ट हो जाएगा ये देखना। हाय गाइस वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो गाइस एक और नया दिन एक और नया काम, जिससे गाइस आज मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि है गाइस आज मैं अपनी बाइक की करवा रहा हूँ सर्विस। तो जैसे कि गाइस आपको पता है हमने अपने बाइक में एक दोस्त लगवाया था, तो गाइस उससे ना बल्कि एक दोस्त से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है इंजन पे, क्योंकि उसकी सर्विस वगैरह हमें टाइम टू टाइम करवानी होती है। तो गाइस आज मैं आया हूँ अपनी बाइक लेके सर्विस करवाने, तो काफ़ी देर हो गई गाइस मैंने ना बिल्कुल ही सर्विस नहीं करवाई अपनी बाइक की। तो जब से गाइस मैंने एक दोस्त लगवाया ना, जब से तो गाइस मैंने इसकी सर्विस बिल्कुल भी नहीं करवाई। पहले करवाई थी जब इसमें एक दोस्त नहीं था लगा, तो भी गाइस बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई थी बाइक में, क्योंकि इसकी सर्विस के लिए। तो आज मैं आ चुका हूँ गाइस इसके सर्विस करवाने, और सर्विस के बाद गाइस देखना क्या मस्त चलेगा, स्मूथ चलेगा अपनी बाइक। गाइस सर्विस होना स्टार्ट हो चुकी है, सर्विस होने के बाद देखना। सर्विस से पहले तो थोड़ी यार रुक रुक के चल रही थी, थोड़ा मिसिंग करने लगी थी बाइक, और मैंने सोचा अभी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने अभी सर्विस करवाने आ चुका हूँ। नहीं तो गाइस बाद में करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, इंजन में इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अभी गाइस मैं सर्विस करवा रहा हूँ इसकी, तो सर्विस करवाने के बाद बिल्कुल स्मूथ चलेगा अपनी बाइक और मस्त वगैरह करेंगे। और इस बार गाइस हम ना ज़्यादा हार्डली नहीं चलाएंगे अपनी बाइक को, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट चलाएँगे, ज़्यादा काम इसका नहीं करवाएंगे अभी। तो गाइस हमारी बाइक तो खुल चुकी है इसका, इसमें ना गाइस इंजन ऑयल बिल्कुल ही कम था, बिल्कुल ही हाई नहीं बल्कि जीरो के बराबर ही है, और जितना भी है गाइस वो भी पूरा काला हो रखा है। देखो तो गाइस ये देखो बिल्कुल भी तेल नहीं है इसमें, और जितना भी है गाइस ये पूरा मल्कि बेकार हो रखा है, बिल्कुल ही काला ही हो रखा है ये, वो जेट ब्लैक ही है बिल्कुल ही। तो काफ़ी देर हो गई ना इसे सर्विस नहीं हमने करवाई, तो आज हम आए हैं इसकी सर्विस कराने। तो आज के बाद गाइस ये देखो कितना मल्कि स्मूथली चलेगा और मस्त चलेगा, जैसे कि इसका सर्विस वगैरह हम करवा लेंगे मस्त चलेगा। ये देखो गाइस इसमें थोड़ा सा ही निकला बिल्कुल ही, इसमें 5% निकला सारा जो भी है इसका। और ये देखो सर्विस ना करवाने का नतीजा, इसका फिल्टर देखो गाइस क्या हालत हो रखी है इसकी। तो यूजली इतना गंदा तो नहीं होना चाहिए अपने बाइक का फिल्टर, तो इसमें हो रखा गाइस, क्योंकि मैंने काफ़ी देर के बाद इसकी सर्विस करवाने लगाऊंगा, इसी कारण गाइस ये मिस कर रहा था और थोड़ी सी गाइस दिक्कत दे रहा था इसे, तो फिर मैं आ चुका हूँ। और ये देखो ये गाइस इधर से गाइस हमारा खुल चुका है, और इसका गाइस फिल्टर वगैरह हम पूरा साफ करवा के रखेंगे, तो देखना गाइस इसकी पिकअप वगैरह कितनी ज़्यादा तेज आएगी। देखो गाइस हमने यहाँ से ये तो खुल चुका है, और ये है गाइस इसका एयर फिल्टर, जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा गंदा और खाइए देखो बिल्कुल ही गाइस, ये इसका ना बहुत ही ज़्यादा काम खराब हो रखा है, तो इसलिए गाइस ये ना थोड़ी दिक्कत देने लग गया था, और इसका गाइस इंजन ऑयल भी नहीं था। बाकी गाइस इसकी सर्विस वगैरह से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अपनी बाइक पे, जो कि हम गाइस अगर टाइम टू टाइम करवाएं तो गाइस इतना ज़्यादा नहीं होता, अगर हम टाइम टू टाइम नहीं करवाते इसकी सर्विस बाइक की अपने नॉर्मल बाइक की, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है अपनी बाइक पे। और जैसे कि आपने जैसे कि पता ही है हम कैसे थोड़ा रो तरीके से हम अपनी बाइक को चलाते हैं, जैसे कि व्हीली वगैरह, और एक और दिक्कत हो गया जो कि गाइस हमने ना क्योंकि जिसमें गाइस इसमें फ्यूल डलवाया था, तो गाइस इसके ना फ्यूल वाली टंकी में बहुत ज़्यादा पानी है, पता नहीं कैसे अभी भैया ने दिखाया, इतना गाइस 95% पानी है और 5% पेट्रोल था बिल्कुल ही। ये देखो गाइस ये देखो ये इसको ये पूरा पानी और पेट्रोल से धोया, जो कि गाइस हमने हमारी बाइक में से निकला है, पता नहीं गाइस इसमें कैसे पानी आया कैसे नहीं, और देखते हैं गाइस इसकी टंकी गाइस शायद इसकी साफ ही होगी, क्योंकि बिल्कुल ही पानी है ना इसमें बीच में, तो इसीलिए तो देखते गाइस मुझे एक दिक्कत ही है यार ये गाइस है ना। और पहले गाइस इसका पूरी साफ सफाई होगी ना, तो जिसकी वजह से गाइस जो इसके पुराने वाला काला वाला तेल था तो पहले वो निकल गया, और इसके अंदर से भी गाइस सफाई हो चुकी है इंजन की, और गाइस अभी नया तेल डलेगा तो देखना मस्त गाइस परफॉर्मेंस में ही बहुत ही ज़्यादा मस्त मजा आएगा। और इसमें जो गाइस एयर फिल्टर है वो भी हमने गाइस धुलवा लिया है, उसके भी गाइस बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा इसकी बाइक की परफॉर्मेंस में, और बहुत अच्छे से, और
इसमें गई टैंकी में पानी गया, वो भी साफ़ करवानी पड़ेगी हमें, क्योंकि टैंकी में पानी है तो ये मिस मार रही थी, तो मुझे नहीं था पता भी इसलिए मिस मार रही थी। हम ये डलवा रहे हैं, इसका इंजन ऑयल 3x है ये, और इसमें गई थी ज़्यादा किलोमीटर ये चल सकता है, क्योंकि इसके कंपेरिजन में एक और भी है वो थोड़ा सस्ता वाला है, ये थोड़े महंगे वाला है, इसलिए 1 लीटर गैस है और ये सारे डल जाएगा हमारी बाइक में, जिसके गैस हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी बाइक की, और जिससे गैस परफॉर्मेंस और ज़्यादा किलोमीटर चलने मिल जाएगा, ज़्यादा किलोमीटर हमें ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसको चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। तो पहले गैस मैंने डलवाया था, पर पहले का गैस मुझे पता नहीं है कौन सा डलवाया था कौन सा नहीं, और जिससे उसकी वजह से भी गई ये ज़्यादा मतलब कि कंज्यूम कर चुका है अपना बाइक, ज़्यादा इंजन ऑयल कंज्यूम कर चुका है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं निकला ऐसे, यूजली ऐसे नहीं होता, यूजली जब हम सर्विस करवाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंजन ऑयल निकलता है, तो मेरी वाली बाइक में तो बिल्कुल ही कम निकला, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, तो कोई बात नहीं गई, अभी हम अच्छे वाला डलवा रहे हैं जो कि गई ज़्यादा चल जाए अपनी बाइक। तो आपको पता ही है कि हम कैसे चलाते हैं, हम थोड़ा रो से चलाते हैं ना अपनी बाइक, जैसे कि मेरा बिजली वगैरह, तो इसकी वजह से भी गई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है अपनी बाइक में, और अब गई अच्छा हो जाएगा। तो फाइनली इसमें इंजन ऑयल तो डल चुका है, और ये है गाइस हमारा जोश जो कि गाइस थोड़ा गंदा और खाई है देखो, और इसकी गाइस अभी आवाज़ का भी क्या पता है इसका फ़र्क डल जाए, क्योंकि इंजन ऑयल वगैरह इसका सारा कुछ बल्कि सर्विस ही हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ भी चलेगा अभी, और देखेंगे इसकी आवाज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है या नहीं आता, क्योंकि आई थिंक गाइस आना तो चाहिए, आवाज़ में फ़र्क तो आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी स्मूथली चलेगा, बिल्कुल आराम से चलेगा, तो इसीलिए। तो ये है गाइस इसका फ्रंट वाला व्यू, जो कि गाइस आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरा, तो जैसे कि गाइस हमारा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो ये टूट चुकी है, तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था ये पूरी टूट चुकी है, और इसका ये फ्रंट वाला इसका वाइजर वगैरह ये टूट चुका था, तो इसको गाइस मैंने ना थोड़ा ऐसे जुगाड़ करके ऐसे इसको सेट वेट कर लिया है, तो जैसे कि गाइस इसको ना हम करवाएंगे अभी काम इसका। एक और चीज़ सोच रहा हूँ, अभी मैं इसको क्यों नहीं करवा रहा इसको ठीक, तो मैं इसका रीज़न है एक, जो कि अब हम करवाएंगे इसको ठीक, तो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल तक इसको लेके जाएंगे ठीक करवाने में। तो जैसे कि गाइस आपको पता हमने नॉर्मल वाला इसमें लगवाया हुआ था लाइट वगैरह वाइजर वगैरह, और अब गाइस हम जब लगवाएंगे इसमें वाइजर वगैरह और सारी लाइटें वगैरह, तो भी फैंसी लगवाएंगे, तो फैंसी मीन्स हम लाइटें वाइटें लगवाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे, तो एक दो गाइस मैंने डिज़ाइन देखे हैं बहुत ही मस्त लगे मुझे, तो मैं वो ट्राई करूँगा इसमें लगवाने की, और शो में भी गाइस अच्छा हो और देखने में भी अच्छा लगे और फैंसी हो थोड़ा सा, तो इसलिए मैं नहीं लगवा रहा, क्योंकि अभी मैं ऐसे लगवा लूँ तो आगे जाके मुझे दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए मैं अभी नहीं लगवाऊंगा, तो फैंसी वाले लगवाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, अभी मैं ऐसे निकालता भी नहीं हूँ ना, बहुत ही कम निकालता हूँ इसकी सर्विस की वजह से, तो वो भी गाइस जब हम लगवाएंगे तो फैंसी वाला लगवाएंगे, इसकी लाइट वगैरह और ये देखो इसमें ना स्टिकर वगैरह लगे थे, तो वो तो मैंने गाइस निकाल दिए हैं, और इसमें फैंसी वगैरह गाइस लगवाएंगे, तो उसमें गाइस मैं फुल ब्लॉग दूंगा आपको देखना इसका, जो भी हम गाइस मॉडिफिकेशन करवाएंगे क्या करवाएंगे क्या नहीं, फुल गाइस आपको मैं ब्लॉग दूंगा, और देखना गाइस बहुत ज़्यादा मस्त मस्त ब्लॉग आने वाले अपनी बाइक का रिलेटेड करवाने का, और जैसे भी है आज से शुरू हो चुका अपनी बाइक में काम होना और सर्विस हो जाएगी, तो मस्त ये स्मूथली चलेगी, तो भी अपनी बाइक की सर्विस हो रही है, और मैं अंदर आके गए बैठ चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है ये देखो मेरे फेस पे आप देख सकते हो, ज़्यादा बारिश पड़ चुकी थी, और हमारी ना बाइक बाहर ही खड़ी थी बेड़े में, तो जहाँ पे हो गए हमारी बाइक खड़ती है ना वहीं पर खड़ी थी, तो शायद बारिश का पानी इसकी टंकी में घुस गया, पता नहीं कैसे भी है, पर इसमें गए पानी है इसकी टंकी में, और वो साफ़ करवानी गए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गए हम अगर बाइक चलाएँगे तो बाइक के पेट्रोल में साथ साथ उसमें पानी भी जाएगा, तो इसलिए हमें ठीक करवाने बहुत ज़रूरी है, और मैं आज नहीं करवाऊंगा, तो इसकी टंकी मैं कल ठीक करवाने आऊंगा, और साफ़ ही होगी ठीक, तो क्या होगी इसमें सारा पेट्रोल फ्यूल वगैरह इसका निकाल के, तो प्रेशर वेशर हवा का मार के जैसे कि सारा क्लीन हो जाएगी अपनी टंकी, तो फिर इसकी साफ़ हो जाएगी, तो कल मैं करवाऊँगा, अभी तो गाइस ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, और अभी गाइस मेरे फ्रेंड का भी फ़ोन आ रहा था, तो उसके साथ भी जाना है मैंने, तो अभी इसका थोड़ा सा काम करवा के, और गाइस मैं वैसे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इसे चलाने में, क्योंकि गाइस इतनी ज़्यादा मिस मारने लगी थी ना अपनी बाइक बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैं चलाता था ना मुझे लगता था इसकी ना बिल्कुल ख़राब ही होने वाला है, क्योंकि मैंने ना आफ्टर 1 ईयर हो गया गाइस इसकी सर्विस मैंने करवाई, 1 ईयर के बाद गाइस आज इसकी सर्विस करवा रहा हूँ, तो चलो कोई बात नहीं गाइस आज मैं बल्कि ना मुझे ऐसे लग रहा था भाई ख़राब ही हो जाएगा बाइक, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गया, मैं चलो कोई बात नहीं आज इसकी सर्विस करवा ही देते हैं, तो आज मैं तब करवानी आ गया इसकी बाइक की सर्विस, और सर्विस के बाद गाइस देखना क्या मस्त स्मूथली चलेगी, और गाइस आज इसकी बिजली वगैरह करके ट्राई करके देखेंगे पहले और अब में क्या फ़र्क आता है क्या नहीं, और इसकी गाइस इंजन ऑयल मैंने ठीक पर डलवा लिया है, तो आज से गाइस इसका काम स्टार्ट हो गया हमने ठीक करवाना, और गाइस इसके में ना 2-3 चीज़ें और है जो कि गाइस मैंने रिमूव करवानी है इसमें से, तो मैंने ना गाइस बाहर ऐसे ऑनलाइन देखा था इसमें 1-2 चीज़ें गाइस है वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट वाले का था ब्लॉग देख लेना, वो उसमें गाइस मैं आपको रिवील करूँगा क्या क्या गाइस मैं से उतारने वाला हूँ क्या क्या लगवाने वाला हूँ, तो
तो एक दो चीज़ें गाइस मैं रिमूव करवा के एक दो चीज़ हम लगवा के इसमें गाइस लुक में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ सकता है और आ भी जाएगा, मैं दिखा भी दूंगा आपको। और बहुत ही आस्ते गाइस हमारा बाइक में काम होना स्टार्ट हो चुका है, आस्ते गाइस हम बाइक में काम करवाएंगे और मस्त मस्त आपको गाइस मैं ब्लॉग दूंगा। चैनल को गाइस सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लो गाइस चैनल को आप, और मस्त हो जाएगी अपनी बाइक। यह शॉप जहाँ पे गाइस मैं बैठा हूँ, पक्का मक्का चला, ठंडी ठंडी हवा रही है और इसमें गाइस यहाँ पे ना गाइस पूरी सर्विस वगैरह का ही है, ठीक है, इसमें फैंसी लाइट वगैरह नहीं मिलती, यहाँ पे सर्विस और इसके इंजन वगैरह का ही है सारा कुछ, नहीं तो गाइस हम यहीं से कुछ देख सकते हैं इसके प्रेशर नहीं है। चलो चलो कोई बात नहीं, दूसरी जगह जाएंगे। तो गाइस ये देखो बाइक की टंकी में से क्या पानी निकल रहा है गाइस, ये देखो बिल्कुल ही पानी है ये, और ये आपको लग रहा है पेट्रोल है पर नहीं है, ये गाइस इसमें पूरा पानी है, ये देखो गाइस ये देखो कितना पानी है, इसलिए इससे गाइस अपनी बाइक में ना इम्पैक्ट भी पड़ सकता है पानी से, ये देखो पूरा पानी है, ये गाइस पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, ये पानी है, इसका ना कल करवा लेंगे यहाँ, क्योंकि इसमें ना बाइक के जो हेल्थ है उसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ सकता है इससे, क्योंकि पानी जाएगा तो बिल्कुल ही खराबी हो सकती है, तो इससे गाइस पूरी मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है इससे, तो कल करवा लेंगे कोई बात नहीं, पूरा पानी है, पता नहीं गाइस कैसे अगर ऐसे नहीं या तो गाइस मुझे लगता है कल जो बारिश पड़ी है ना दोपहर में और उससे आ सकता है इसमें पानी, क्योंकि यार लास्ट टाइम भी एक बार आ गया था, मैंने पहले भी ठीक करवाई थी तो अभी फिर आ गया पानी, तो कोई बात नहीं देखते हैं। इसमें इसके ना जो चैन है पीछे वाली वो ना बहुत ही ज़्यादा ढीली हो रखी है, तो जैसे कि गाइस आपको पता है हमने इसका चैन कवर अपने आप ही घर पर ही हमने रिमूव कर लिया था, और इसकी गाइस देखो चैन देखो कितनी ज़्यादा ढीली है, ये बहुत ही ढीली है और जिसकी वजह से इसमें बिजली वगैरह नहीं लगती अभी, तो अभी टाइट हो जाएगी, तो देखना क्या मस्त चल के चलेगी, तो हम थोड़ी टाइट ही रखवाएंगे क्योंकि ये ना ऑटोमेटिकली ढीली हो सकती है, तो इसका तो कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली इसकी सर्विस हो चुकी है और फाइनली इसको भी स्टार्ट करके देखेंगे इसमें कोई साउंड वगैरह का इसमें दिक्कत आई है या नहीं, बल्कि स्मूथली आई है कि नहीं, तो अभी गाइस इसे स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो इसमें गाइस टंकी में पानी है तो इसकी वजह से कोई अगर मिस वगैरह करे तो उसे गाइस हम ठीक करवाना पड़ेगा, तो वो तो गाइस ज़्यादा नहीं है दिक्कत, तो पहले गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली बाइक तो स्टार्ट हो गई है और थोड़ी सी गाइस मिसिंग कर रही है, तो वो कर रही है गाइस इसमें जो कि टंकी में थोड़ा सा पानी वगैरह घुसा हुआ है ना, तो इसके लिए तो ये तो गाइस ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट हो रही है क्या नहीं, और उसी बाइक की सर्विस कम्प्लीट हो चुका है और जिसकी गाइस मैंने स्टार्ट करके देख लिया और बहुत ही गाइस मस्त स्टार्ट हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं, पहले गाइस थोड़ी सी ज़्यादा मिसिंग कर रहा था, तो अभी इसकी सर्विस हो चुकी है, देखने में तो गाइस क्या है इसके अंदर अंदर इसकी सर्विस हुई है, तो वैसे भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो इसका ना ये प्लग वगैरह इसका प्लग वगैरह सारा साफ़ हुआ और इसमें गाइस इंजन ऑयल डला नया और इसके गाइस बहुत ही इसके एयर फिल्टर वगैरह और भी गाइस एक दो चीज़ें जो कि गाइस मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, तो गाइस बगैर में बहुत ज़्यादा थी मैं अंदर बैठ रहा ना, तो इसलिए तो गाइस अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी मैं गाइस स्टार्ट करता हूँ। इसकी गाइस हमने चैन वगैरह भी पूरी कसा ली है जिससे गाइस बिजली वगैरह के में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, तो अभी देखना 1 kick स्टार्ट हो जाएगा, ये देखना चलो गए चलते हैं, अभी बाइक तो बहुत ही स्टार्ट हो गया, अभी चला के देखेंगे, तो चलो गए चलते हैं चला के, तो चुका हूँ अपने यहाँ पे आरटीओ ऑफिस जहाँ पे गए ट्रायल होता है बाइक सर्विस का, जो कि लर्निंग या पक्का जब बनवाना था ना तभी, तो अभी गज मैं आ चुका था अभिषेक के पास और सर्विस गज मैंने करवा लिया है और अभी गज अंदर ना डॉक्यूमेंटेशन हो रही है जो कि लर्निंग के बाद अभी पक्का बनेगा बिल्कुल ही, ये इसका ट्रायल देगा कार का, तो अभी गज थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन रह गई है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके तो हम ट्रायल दे देंगे अपनी कार का, तो मैं नहीं करवा रहा हूँ मेरा फ्रेंड ही करवा रहा है अभिषेक, वो अभिषेक देगा। तो ये है गाइस आरटीओ, तो ये है गाइस जहाँ पे गाइस इसका ट्रायल होगा, तो ये देखो बहुत एक कार का ये ट्रायल दे रही है बहुत, वो बैक लगा रहे हैं बहुत, ये है गाइस सारा बहुत बड़ा ही गाइस ये, और यहाँ पे ना गाइस पूरे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पे मतलब पता लगेगा भी इसने सही पार्क किया या नहीं, सही चलाई है कि नहीं, उसके बेसिस पे गाइस हमें लाइसेंस मिलता है। और गाइस मौसम देखो क्या मस्त हो रहा है, देखो काले काले बादल आ रखे हैं और मस्त गाइस मौसम हो रहा है, पहले तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी जब मैं गाइस बाइक की सर्विस करवाई थी ना, तो भी बाइक की गाइस बाइक तो हमारी वहीं पर खड़ी है, मैं गाड़ी में ही आ गया था फिर से, मतलब कि बाइक मैं लेके आया हूँ और कार भी वो ले आया, तो अब हम यहाँ से गए ट्रायल देके, अभिषेक ट्रायल देगा अभी,
गाइस बहुत ही ज़्यादा गाइस वो है, दिक्कत वाली बात है ये ट्रायल देना, क्योंकि अगर थोड़े से बगैर गए कुछ भी हो गया तो छः सात महीने के लिए गाइस डिसकंटिन्यू हो जाता है, फिर से सारा कुछ मतलब होता है ना, तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा देख के करना पड़ेगा, इसे ट्रायल देना पड़ेगा। तो एक तो गाइस बहुत हो रही है, लिटरली मैं ना सुबह से घर से निकला हुआ हूँ सुबह से, और काफ़ी टाइम हो गया गाइस, अभी मैं बाहर ही हूँ अभी, तो गाइस ये ना लाइसेंस का भी काम करवा के मैं जाऊँगा घर पे, क्योंकि इसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता ना, तो इसलिए अब का पूरा काम गाइस निपटा के ही जाएंगे। काफ़ी देर होगी, मुझे भूख भी लग गई है, ऑलमोस्ट अभी टाइम हो गया है, अभी गाइस ऑलमोस्ट 2:27 हो गए, और काफ़ी देर से गाइस मैं निकला हुआ हूँ बर्गर से बाहर, भूख वगैरह बहुत ज़ोर से लगी है, और क्योंकि सुबह से गाइस मैंने रोटी खाई है, कुछ नहीं खाया, भूख लगी है बहुत देर से, देखते हैं गाइस कुछ खाएंगे या नहीं, तो फिर चलते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अंदर, और यहाँ पे होगा गाइस ट्रायल, जो कि गाइस आप देख सकते हो कार वगैरह और बाइक्स वगैरह स्कूटी वगैरह खड़े हैं, और यहाँ पे गाइस हमारी ना पिक होगी जो सामने लाइन लगी है ना, तो इसकी वजह से गाइस यहाँ पे होगा पूरा ट्रायल। ये देखो पूरे ऊपर ना कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, भी अगर कोई भी गलती हो तो पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई बल्कि ऐसा नहीं है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। और ये देखो गाइस कार खड़ी हुई है उन्होंने, जो कि गाइस इनकी नेक्स्ट टर्न है इनकी ट्रायल देने की, तो इसके बाद और ये खड़ा गाइस अभिषेक, ये देखो स्कूटी का तो ट्रायल दे दिया, और भाई इसका कार का होगा, कार का देखते कैसे चलता है कैसे नहीं। तो गाइस फाइनली अभी अभिषेक आ रहा है कार में, और भाई इसका कार का देगा ये ट्रायल पूरा, और देखो ये कार देखते कैसे चलाते कैसे नहीं। आपकी ना इसकी अभिषेक की बात मैं आपको बाद में बताऊँगा, इसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, मैं बताता हूँ आपको, अभी एक कार का दे लेना, तो फिर अगर ये कार में पास हो गया फिर तो भाई सही बात है, नहीं तो इसका औखा ही हो जाएगा। तो गाइस फाइनली अभी अभिषेक ना कार में देखेगा, कार में ट्रायल देगा कि देखेगा, कार तो निकाल देगा हैं, रहने दे गाइस, ये बोल रहा एसी चलाऊं क्या ना चलाऊं, देखो ये क्या कर रहा है, अभी तो बेस कह रहा था ये चलाने को, तो अभी ना अभिषेक बोल रहा था अभी बेस चलाना, नहीं भाई यहाँ पे ट्रायल देने आया कि बेस सोने आई है, पर चलो कोई बात नहीं, अभी देगा देखते हैं कैसे देता कैसे नहीं, और ट्रायल अच्छे से दे तो सही है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर से गेड़ा लग जाएगा। हम सुबह से आए हुए हैं यहाँ पे, और अभी शाम के ऑलमोस्ट 3:30 हो चुके हैं, तो देखते हैं गाइस कि कितने देर में ये क्लियर कर पाता अपना कितना नहीं, और इसमें गाइस स्कूटी में इसने थोड़ा सा इसने दिक्कत कर दिया, वो देखेंगे निकलता है क्या नहीं निकलता। गाइस एक कार तो चल चुकी है ट्रायल लेने के लिए, और हमारी गाड़ी गाइस वो खड़ी है, वो खड़ा गाइस अभिषेक, तो नेक्स्ट गाइस टर्न इसकी है, तो ये देखते हैं गाइस कैसे लगाता है, ये पार्क अच्छे से लगाता है या नहीं, अगर नहीं लगा पाया तो गाइस देखेंगे, आई होप गाइस ये अच्छे तरीके से लगा दे, नेक्स्ट टाइम नहीं आना पड़े, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे बैठे बैठे, हमें सुबह से ही आए हुए हैं, और अभी ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं, तो देखते गाइस ये देखो बेस लगा के बैठा सुधाई, ये देखो मस्त गाइस बैठा है, ये देखो गाने वाने लगा के मस्त बैठा है, पर ऐसे गाइस अलाउड नहीं है गाने वाले लगा के बैठना, पर ये बैठा है, पर कोई बात नहीं गाइस देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। और यहाँ पे गाइस रूल बहुत ज़्यादा है, अगर हम गाइस कार ना अंदरों अंदर ही चलानी है, बल्कि सेंटर में चलानी है, इधर उधर नहीं चलानी, अगर इधर उधर भी थोड़ी सी गाड़ी हुई तो आपका फाउल हो जाएगा, तो फिर सारा आपको दोबारा करना पड़ेगा, जो भी फीस वगैरह सारा ही करना पड़ेगा, तो एक ही टर्न में एक ही अच्छी बार में करनी पड़ेगी, तो नहीं तो गाइस फाइन जुर्माना हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो जैसे ही गाइस वो ट्रैक समझ जाएगा तो वैसे तो वो लगा ही देगा नॉर्मली कार अपने, तो अगर गाइस उसने थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया तो पूरा फाउल ही डल जाएगा, जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया पहले वो पूरा जो ट्रैक है वो सीख ले, तो फिर उसको गाइस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और सक्सेसफुली उसका लाइसेंस बन जाएगा। तो मैं अब आके जाकर दिखाता हूँ क्या 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 नहीं, और फिर देखना गाइस आपको ट्रैक देखोगे बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा ये। तो गाइस फाइनली अभिषेक की टर्न आ चुकी है, और वो गाइस क्या ट्रैक पे, तो देखते गाइस क्या, तो फाइनली गाइस वो निकल चुका है। तो गाइस यहाँ से ना इसको बैक लेके जाने पड़ेगा, तो आगे जाके गाइस टर्न है वहाँ से का। हेलो हाँ, तो गाइस फाइनली इसने करवा लिया, और इसकी गाइस पार्किंग ही अच्छी होगी, तो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। गाइस फाइनली हम आ चुके थे अभिषेक का ड्राइविंग टेस्ट देकर, और गाइस जो कि मैंने आपको बताया था मैं बाद में बताऊँगा क्या हुआ। तो गाइस एक्चुअली क्या हुआ, तो पहले तो गाइस जो उसने स्कूटी का दिया था, क्योंकि गाइस फोर व्हीलर में अब हम अगर करवाना है ना, हमने लाइसेंस बनवाना फोर व्हीलर में, तो गाइस हमें ना स्कूटी या बाइक का भी हमें ट्रायल साथ ही देना होगा, क्योंकि स्कूटी और क्योंकि फोर व्हीलर और टू व्हीलर का ना एक ही लाइसेंस बनता है, तो जैसे कि गाइस ये वो फोर व्हीलर बनवाना ना उसे, तो वो टू व्हीलर भी चला सकता है फोर व्हीलर के
लाइसेंस पे। तो गाइस इसलिए तो पहले तो गाइस उसने टू व्हीलर चलाया जो कि स्कूटी चलाई वो उसके ना फ्रेंड की थी, और हमारे गाइस वहाँ पे ना फ्रेंड आए हुए थे तो उनकी गाइस उसने स्कूटी चलाई। तो गाइस उसने ना चलाते चलाते जैसे कि गाइस ट्रैक पे चलानी होती है ना वहाँ पे गाइस पैर नहीं नीचे लगाना होता, एक ही बार में निकाल ली होती है, तो गाइस उसने पैर लगा दिया नीचे और वो ना मोड़ने लगा था वैसे ट्रैक पे, उसने ना पैर लगा दिया नीचे, तो इसलिए गाइस वो डिसकंटिन्यू हो गया वहाँ से। और फिर गाइस वो अगर उसने कार का दिया ट्रायल तो कार में भी गाइस वो पार्क करने लगा था पीछे बैक करके, तो गाइस उसे बैक भी नहीं हुई और उसने मतलब की थोड़ी देर लगा दी उसमें ना कोई, तो गाइस मैंने ना थोड़ा टाइम लगा दिया तो इसलिए वहाँ पे भी रह गया। तो गाइस अब ना उसकी दूसरी डेट मिलेगी हमें, तो गाइस उसकी ना दूसरी डेट मिलेगी तो फिर गाइस फिर से हम देंगे उसका ट्रायल, तो कार का भी टू व्हीलर का भी। तो गाइस देखेंगे गाइस नेक्स्ट टाइम वो अच्छे से दे पाता है या नहीं दे पाता। तो गाइस अभी तो मतलब की अप्रूवल तो हो चुका है पर वो उसका ट्रायल दोबारा से होगा, तो इसी करके तो गाइस हमने और अपनी बाइक में भी हमने गाइस सर्विस करवा लिया। तो जैसे कि ये खड़ी है गाइस हमारी बाइक, और गाइस बाइक को चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आने लग गया ना क्योंकि बिल्कुल ही स्मूथ हो गई है बाइक और मज़ा आ गया बाइक को सर्विस करवा के। और इसका गाइस मेन बात इसकी ना टंकी में गाइस पानी है, पता नहीं गाइस कैसे पानी चला गया, और गाइस कल को हम इसकी टंकी में पानी निकलवाएंगे और नहीं तो गाइस इससे बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। चलो गाइस इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, अच्छा लगा तो गाइस लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।